और विधायक नैना चौटाला ने बीजेपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज के समय में कानून व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित है। उन्होंने कहा कि आए दिन बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, पुलिस की नाक के नीचे एटीएम लूटे जा रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। नैना चौटाला ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में हमने 50 के पार का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिस तरह बीजेपी 75 प्लस की बात करती है, लेकिन हम 75% आरक्षण देकर लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं। इसी के साथ नैना चौटाला ने कहा कि हमारी सरकार आने पर पेंशन योजना में भी बढ़ोतरी की जाएगी, 2000 की पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। आज के दिन हरियाणा में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इतनी अव्यवस्थित है कि आए दिन बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं। आप ये देखो कि पुलिस की नाक के नीचे आए दिन एटीएम लूटी जा रही है। तो जो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि हरियाणा को सुरक्षित हरियाणा देंगे, मुझे लगता है आज के दिन हरियाणा जो है वो सबसे असुरक्षित है, चाहे वो बहन बेटियों के लिए ले लो, चाहे आज बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर। देखो ज्यादा से ज्यादा 50+ का लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं। हमारे बाकी आज के दिन बीजेपी सरकार कह रही है 75+, हम लोग ये लेके चल रहे कि 75% आरक्षण देके लोगों को रोजगार देंगे। हम लोग तो हम बढ़ाकर 2000 से 3000 करने का काम करेंगे, जो पेंशन की आयु महिलाओं की 55 वर्ष और पुरुषों के 58 वर्ष करने का काम करेंगे।